माही के बाहर जाने के बाद ऑडिशन रूम के अंदर जिस प्रॉब्लम को लेकर वहां मौजूद सारे लोग परेशान थे वो फाइनली सॉल्व हो चुकी थी। रोहन धवन ने एक चैन की सांस ली और फिर उसने बाकी जजेस की तरफ देखकर कहा, क्या अब तुम लोगों को पता चला कि मेरे लिए अच्छी एक्टिंग का क्या मतलब होता है? बाकी जजेस ने बिना कुछ कहे चुपचाप हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। इस पॉइंट पर किसी को भी रोहन धवन के जजमेंट पर कोई शक नहीं था। कुछ देर के बाद जजेस ने कमेंट करते हुए रोहन धवन से कहा, डायरेक्टर रोहन, आप तो वाकई में बेहद प्रोफेशनल हो, हम तो मान गए आपको। इससे याद आया, ये लड़की काफी यंग है मगर इसकी एक्टिंग वाकई में रिमार्केबल है। यहाँ तक कि जोया भी इस लेवल की परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि उसकी एक्टिंग बेहद अच्छी थी मगर जो दर्द मैंने माही की परफॉर्मेंस में महसूस किया वो आज से पहले मैंने किसी की परफॉर्मेंस देखकर महसूस नहीं किया होगा। थैंकफुली डायरेक्टर रोहन की वजह से हमने दूसरा ऑडिशन लेने का फैसला किया। आजकल की जनरेशन तो वाकई में हर तरह का कमाल दिखा सकती है। जैसे ही माही बाहर निकली उसने तुरंत अनुषा की तरफ देखकर उसे कहा, अनुषा मैंने ऑडिशन क्लियर कर दिया है। माही 10 मिनट तक ऑडिशन रूम के अंदर थी। हालांकि जोया की तुलना में माही बहुत देर तक अंदर नहीं रही जिसकी वजह से अनुषा काफी नर्वस लग रही थी। मगर जब उसने माही को ऑडिशन रूम के बाहर निकलते हुए देखा तो हालांकि उसका बिहेवियर काफी काम और कलेक्टेड था मगर उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। और माही की बात सुनने के बाद अनुषा ने मुस्कुराकर माही से पूछा, क्या सच में डायरेक्टर रोहन धवन ने क्या कहा? माही ने जवाब देते हुए अनुषा से कहा, डायरेक्टर रोहन ने कहा कि हम आज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने आपको अंदर बुलाया है। जैसे ही माही अनुषा से बात कर रही थी तभी अचानक उसे कुछ याद आया और फिर उसने टाइम की तरफ देखकर अनुषा से कहा, अनुषा क्या तुम प्लीज मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट का ये काम संभाल सकते हो? मुझे अर्जेंटली किसी काम से इसी वक्त निकलना होगा। अब टाइम ऑलरेडी 8:40 हो चुका था और पुलिस स्टेशन पहुंचने के लिए अब माही के पास सिर्फ 20 मिनट ही थे। माही की कही ये बात सुनकर अनुषा ने जवाब देते हुए उसे कहा, हाँ माही कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, ये सब मैं संभाल लूंगी। माही ने फिर हामी भरते हुए अनुषा से कहा, ठीक है तो मैं अभी निकलती हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। ऑडिशन वाली बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद माही तुरंत अपनी कार के अंदर बैठी और पुलिस स्टेशन के लिए निकली। पुलिस स्टेशन की एंट्रेंस पर टिम, मान्या, एनी और एक लॉयर जैसा दिखने वाला इंसान माही के इंतजार में बैठे हुए थे। तभी अचानक एनी ने दूर से माही को आते हुए देखा और उसने एक्साइटेडली माही के पास जाकर उससे कहा, माही ब्रो फाइनली तुम आ गई, मुझे लगा कि तुम वक्त पर आ नहीं पाओगी, मैं तो तुम्हें फोन भी करने वाली थी मगर मुझे लगा कि शायद मेरी वजह से तुम्हारा ऑडिशन खराब हो जाता। एनी की बात सुनकर माही ने परेशान लगते हुए उससे कहा, आई एम सॉरी एनी, ऑडिशन बस अभी खत्म हुआ। एनी ने फिर माही से पूछा, तो तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा, क्या तुम सेलेक्ट हो गई? माही ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए एनी से कहा, हाँ मैं सेलेक्ट हो गई। इस बात से एनी माही के लिए काफी खुश लग रही थी और फिर उसने माही से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशन माही ब्रो। तभी अचानक टिम ने अपना गला साफ करते हुए उन दोनों की बातों को बीच में काटते हुए कहा, वक्त हो चुका है। माही ने थोड़ा सा लाचार लगते हुए टिम की तरफ देखकर पूछा, तो टिम भैया क्या आप मुझे बता सकते हो कि अंदर जाकर मैं उसे क्या कहूं या फिर मैं सिर्फ इतना देखकर बाहर आ जाऊं कि वो ठीक है या नहीं? तभी अचानक मान्या दौड़कर माही के पास गई और उसने माही को गले लगाते हुए उससे कहा, माही प्लीज वाइस से इतना कहना कि वो थोड़ा सा काइंड रहे और हमें और टॉर्चर ना करे, उसे कहना कि वो जल्दी बाहर निकल आए, हमारे लिए बाहर सिचुएशन काफी बद से बदतर होती जा रही है, क्या अंदर का माहौल उसके लिए इतना कंफर्टेबल हो सकता है, क्या अब उसे जेल में इतना मजा आने लगा है कि वो बाहर ही नहीं आना चाहता? जब माही ने मान्या की कही ये बात सुनी तो वो काफी हैरान लगने लगी और उसने मन ही मन ने कहा, तो ये आदमी खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहता है, मुझे तो पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था। माही ने हामी भरते हुए मान्या से कहा, ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगी। पुलिस स्टेशन के बाहर सबसे बात करने के बाद माही को विजिटिंग रूम के अंदर ले जाया गया। यश शिंदे माही के सामने आकर खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच में एक कांच की दीवार थी जो कि कैदियों को विजिटर्स से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। यश शिंदे ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और वो चुपचाप बैठा रहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो माही के इस विजिट से काफी इरिटेटेड लग रहा था। ना ही सिर्फ वो किसी कैदी जैसा नहीं लग रहा था बल्कि अब तो वो पहले से भी कहीं ज्यादा एरोगेंट लग रहा था, जैसे कि वो जेल में नहीं बल्कि अपने ही इलाके में था। उसने माही की तरफ देखकर उससे पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? उसकी ऐसी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने घर पर बैठा हुआ था। यश और विक्रम ओबेरॉय के बीच का रिश्ता जानने के बाद ये पहली बार था जब माही यश से मिल रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस तरह फेस करे। माही यश की तरफ घूर कर देखती रही और उसने धीमी आवाज में अपने आप से ही कहा, क्या ये आदमी वाकई में विक्रम ओबेरॉय का भाई है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, चाहे बात इन दोनों की अपीयरेंस की हो या फिर बिहेवियर की, ये दोनों किसी तरह एक जैसे नहीं लगते, भला विक्रम और यश भाई कैसे हो सकते हैं? जब यश ने देखा कि माही उसकी तरफ घूर कर देख रही थी और मन ही मन में कुछ सोच रही थी तो उसने माही से पूछा, अगर तुमने मुझे अच्छी तरह से निहार लिया है तो क्या मैं यहां से जा सकता हूं? यश की कही ये बात सुनकर माही होश में आई और उसने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ यहां एक मैसेंजर बनकर आई हूं, अगर तुम्हारा यहां पर हॉलीडे खत्म हो गया है तो यहां से निकलने के बारे में तुमने कुछ सोचा है? माही का जवाब सुनकर यश काफी इरिटेटेड लगने लगा और उसने माही से कहा, गलत जवाब।
इतना कहने के बाद वो पीछे मुड़ा और वहां से जाने लगा। ये देखकर माही पूरी तरह से दंग रह गई और उसने मन ही मन में कहा, क्या ये आदमी यहां से इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसे मेरा जवाब पसंद नहीं आया? मैं यहां इतनी जल्दबाजी में आई और ये मेरे सामने ऐसा बिहेव कर रहा है? माही ने तुरंत उस कांच की दीवार पर अपना हाथ रखते हुए यश को पुकारा और उसे कहा, अरे रुको, तुम कहां जा रहे हो और मैंने कौन सा गलत जवाब दिया? ठीक है, अगर मैं ये मान भी जाऊंगी कि मेरा जवाब गलत था तो कम से कम तुम मुझे एक हिंट तो दे सकते हो ना? माही की कही बात सुनकर यश रुक गया और वो माही की तरफ देखने लगा। फिर जनरस बनने का नाटक करते हुए वो उसके सामने बैठ गया और फिर उसने माही से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, तुम यहां क्यों आई हो? यश का ये सवाल सुनकर माही ने मन ही मन में कहा, ओह नो, अब मैं क्या कहूं? माही ने अपना मुंह बनाया और उसने अपना हाथ अपने सर पर रखा। फिर उसने मन ही मन में कहा, मेरे पास यहां आने की और क्या वजह हो सकती है? मुझे तो सिर्फ यहां मैसेंजर बनने के लिए बुलाया गया था, अब इसके अलावा मैं यश से और क्या कहूं? अगर ये गलत जवाब था तो सही जवाब क्या होगा? आखिर ये कब क्या कहना चाहता है किसी को कुछ समझ नहीं आता। इसके लॉजिक को समझते समझते तो मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ देर के बाद माही ने उसकी तरफ देखकर उससे पूछा, क्या मैं किसी की मदद ले सकती हूँ? माही की कही ये बात सुनकर यश चुप रहा मगर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल गया। माही ने यश की चुप्पी को उसकी हां समझकर टिम को फोन लगाया। फोन के दूसरी तरफ से टिम ने माही से पूछा, हेलो, अंदर क्या हो रहा है? माही ने धीमी आवाज में कंप्लेंट करते हुए टिम से कहा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, यश बिल्कुल ठीक है और मुझे तो लगता है कि वो इतना ठीक है कि वो हम सबको पहले से भी बुरी तरह से टॉर्चर कर सकता है। और रही बात उसे बाहर आने के लिए बोलने की, तो मुझे लगता है कि वो पागल हो चुका है। मैं इस आदमी से बिल्कुल भी बात नहीं कर सकती। उसने मुझसे पूछा कि मैं यहां पर क्यों आई हूं और मैंने उसे कहा कि मैं यहां पर तुम लोगों की मैसेंजर बनकर आई हूं और उसे यहां से निकलने के लिए कहने आई हूं। फिर उसने मुझसे कहा कि मैंने उसे गलत जवाब दिया है और उसके बाद वहां से जाने लगा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे किसी तरह रोका और अब उसने मेरे जवाब के लिए मुझे दूसरा मौका दिया है। माही की कही ये बात सुनकर टिम बिल्कुल चुप रहा। शायद वो भी इस सिचुएशन से काफी हैरान महसूस करने लगा। उसके बाद शायद मान्या ने टिम से फोन छीनते हुए माही से कहा, बुद्धू, मैं यहां पर क्यों आई हूं? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है, ये एक स्टैंडर्ड आंसर है, उसे यही कहना, समझ गई? मान्या की कही ये बात सुनकर माही दंग रह गई। फिर मान्या ने अपनी बात पूरी करते हुए माही से कहा, माही, मेरी बात ध्यान से सुनो, यश ऐसा ही है, उसमें बहुत ज्यादा बचपना है, वो सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाना चाहता है। माही ने फिर कंफ्यूज लगते हुए मान्या से पूछा, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? मान्या ने माही को समझाते हुए उससे कहा, कोशिश तो करो, शायद ये आइडिया काम कर जाए। माही ने फिर कहा, मैं उससे दोबारा बात करने की कोशिश करती हूं, अगर ये काम नहीं आया तो मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है। लेकिन माही किसी भी हाल में यश से ये कह ही नहीं पा रही थी। मगर सच तो ये था कि वो यश के लिए थोड़ी सी परेशान तो जरूर थी। फोन पर मान्या ने माही से कहा, अगर ऐसी बात है तो फोन मत रखना, जब वक्त आए तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। हालांकि मान्या ने माही से ये बात कही थी मगर सच तो ये था कि वो माही और वाईएस की बातें सुनना चाहती थी। माही ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, दरअसल वो भी यही चाहती थी कि मान्या फोन पर उन दोनों की बातें सुने ताकि सब समझ जाएं कि यश कितना ट्रबलसम है और ये कि माही ने यश से बात करने की और उसे समझाने की पूरी कोशिश की थी। फिर माही अपना फोन काटे बिना यश से बात करने चली गई। माही ने यश की तरफ देखकर उसे पूछा, तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने से पहले क्या तुम मुझे इतना बता सकते हो कि आखिर तुम जेल में क्यों रहना चाहते हो? माही का यह सवाल सुनकर यश मुस्कुराने लगा और उसने जवाब देते हुए माही से कहा, ताकि मैं तुम्हें यह बता सकूं कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग अपना काम पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है। यश की कही ये बात सुनकर माही काफी परेशान लगने लगी और उसने मन ही मन में कहा, तो क्या यश ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये सब विक्रम ने करवाया है? माही ने यश को इंटरोगेट करते हुए उससे कहा, अगर मैं ये बात मान भी लूं कि ये सब विक्रम ने करवाया है तो वैसे भी तुम दोनों इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ हो और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूं कि तुमने ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाई हैं। मैंने सही कहा ना? माही की कही ये बात सुनकर यश के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला और उसने जवाब देते हुए माही से कहा, तो क्या हुआ, तुम तो ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैंने ये बात तुमसे कभी नहीं छुपाई। यश की कही ये बात सुनकर माही दंग रह गई और उसने मन ही मन में कहा, ये आदमी क्या बकवास कर रहा है, मैं तो इससे ठीक से बात भी नहीं कर पा रही हूं। तभी अचानक माही को एनी के फेवर के बारे में याद आया और उसने फोर्सफुली अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, हम सब तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, अगर बात सिर्फ इतनी है तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अब मैं समझ चुकी हूं, मैं जानती हूं कि वो क्या कर रहा है, क्या तुम यही चाहते हो? फोन के दूसरी तरफ मान्या काफी परेशान लगने लगी और उसने माही से कहा, माही, तुम ऐसा नहीं कह सकती, अब वो सिर्फ बहाने बना रहा है, जो मैंने तुमसे कहा है तुम उससे वही कहो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। मान्या की कही ये बात सुनकर माही हिचकिचाने लगी और उसने मन ही मन में कहा, मगर मैं यश से ऐसा कैसे कह सकती हूं? तभी अचानक यश ने माही की तरफ देखकर उसे कहा, तुमने अपने सारे मौके गंवा दिए हैं,
इतना कहने के बाद यश उठकर खड़ा हुआ और वो वहां से चला गया। माही ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो। यश को रोकने की कोशिश में माही काफी तेजी से उठकर खड़ी हुई और इसीलिए उसका सर घूमने लगा। वो काफी डिजीनेस महसूस करने लगी और जब वो खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी तो उसने अपना कंट्रोल खो दिया और वो बेहोश हो गई। यश ने पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनी। इस आवाज से यश रुक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा कि माही जमीन पर गिरी हुई थी। ये देखकर यश ने घबराते हुए माही को पुकारा, माही। फिर यश ने अचानक माही से कहा, डैमिट, मुझे परेशान करने के लिए ये सब मत करो। मगर माही जमीन पर गिरी हुई थी और वो हिल भी नहीं रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। वो काफी परेशान लग रही थी और उसकी सांसें भी तेज हो रही थी। फोन पर यश की घबराई हुई आवाज सुनकर टिम ने अचानक पूछा, क्या हो गया? उस वक्त यश के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी भयानक लग रहा था। उसने कांच के थ्रू छोटे से खिड़की पर चिल्लाकर कहा, टिम, मुझे अभी इसी वक्त यहां से बाहर निकालो। यश की कही ये बात सुनकर टिम और मान्या दोनों ही दंग रह गए। टिम अपने लॉयर के साथ अंदर गया। 5 मिनट के अंदर वो दोनों यश को बाहर ले आए और यश को वहां से जाने के लिए कहा गया। यश ने गुस्से में टिम की तरफ देखकर पूछा, माही कहां है? जब माही बेहोश हो गई थी तो पुलिस स्टाफ माही को बाहर ले आए थे। टिम ने जवाब देते हुए यश से कहा, वो कार में है। मान्या ने यश की तरफ देखकर उसे कहा, उसे हमने कार में बिठा दिया है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, एनी हमारे साथ है। जिस आदमी को देखकर अब तक ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जेल के अंदर अपनी सारी उम्र काटना चाहता था, वो अब तेजी से पुलिस स्टेशन के बाहर चलने लगा था। एक बड़ी सी एसयूवी कार की बैक सीट में अचानक बाहर की तरफ से दरवाजा खुला और यश अपने चेहरे पर परेशानी दिखाते हुए अंदर घुसा। उसने परेशान लगते हुए माही की तरफ देखते हुए एनी से पूछा, क्या बात है? एनी ने अपने सामने बैठे यश की तरफ देखकर ध्यान से अपने शब्द चुनते हुए उससे कहा, मैंने माही ब्रो की पल्स चेक की, वो थकान और इमोशनल अनस्टेबिलिटी की वजह से बेहोश हो गई थी। टिम गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और मान्या उसके पास वाली पैसेंजर सीट पर बैठी थी। एनी की कही ये बात सुनकर मान्या ने हैरान लगते हुए कहा, व्हाट द हेल, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, थकान, बॉस, आपने माही से अंदर क्या कहा? मान्या ने हैरान लगते हुए मन ही मन में कहा, माही यश के सामने सिर्फ 2 मिनट के लिए थी और इस इंसान ने मेरी टफ माही को ऐसा बना दिया, ये तो वाकई में